जालंधर से, जहां एक स्थानीय होटल में श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडरशिप ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पंजाब सरकार ने किसान बिलों को लेकर अपनी एकजुटता दिखाने की बजाय अपने तौर पर कुछ कानून लागू कर दिया है जिसमें किसानों का हित नजर नहीं आ रहा, और वो सरकार से अपील करते हैं कि वो सिर्फ दो फसलों की बजाय सभी अन्य फसलों पर भी MSP पहले की तरह लागू रहनी चाहिए। वहीं अकाली दल के सीनियर नेता बीबी जागीर कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने सिर्फ कनक और चावल पर ही MSP लागू रहने दी है और अन्य फसलों से बाहर कर दिया गया है, जो कि किसानों के साथ धोखा है और वो किसानों के हित के लिए संघर्ष करते रहेंगे। MSP अश्योरेंस लेनी है, वो तुसी इहदे विच बिल्कुल नहीं कोई कीता। जां इक्को ही व्यक्ति वड्डी कंपनी कोई आके इत्थे ठेका लै लवे, वह भी तुसी जिहड़ा सिद्धी खरीददार, ये भी इहदे विच कुछ नहीं कीता। इहदे विच कीता की है, सिर्फ इन्ना कीता कि जिहड़ियां 24 जिनसां दे MSP रखे जांदे सी उहनां विचों 22 तां खत्म करतीआं, वह मंगीआं ही नहीं, ते दो जिनसां सिर्फ रखीआं, कणक अते चावल। ये जो बासमती भी कर दिती, कपाह भी कर दिती, बाकी सारिया दाला भी कर दित्तियां, ये सारा कुछ जड़ा जे देखा जाए तो सारा कुछ इस तरह तुसी भी अखबारों वाले अजकल सारा लिख रहे हैं कि जो कुछ भी किया गया बिल्कुल धोखा तो फ्राड हो गया। बड़ा उस वेले एक गल आई कि चलो सारे MLA एक यूनिटी दिखाइए कि पंजाब का सारा विधानसभा के सारे लोग जड़े इकट्ठे है इस मुद्दे के उत्ते कि जो सेंटर ने पास किए मते है।